हाय गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। अब ये वीडियो जब भी आप देखते हैं, ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जब कभी भी आप घूमते फिरते इस वीडियो पर आ जाएं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में डेफिनेटली कोई ना कोई बात ऐसी है कि जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब यस, जैसे मैंने पहले कहा, ये टाइमलेस वीडियो है, उसी के साथ साथ ये एक जनरल रीडिंग है। मतलब कि जब कभी भी आप इसे देखते हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जो भी रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है। मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज तक मैंने हज़ारों लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं। जस्ट शेयरिंग दिस विद यू ताकि आपको पता लग पाए कि आप एक सही व्यक्ति के पास रीडिंग ले रहे हैं और आप इस रीडिंग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो आपको मेरे साथ प्रेयर करना है। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन आपके बारे में फील करते हैं कि आप काफ़ी, हम जो कहते हैं ना, दिल फेक आशिक, इनको लगता है कि आप काफ़ी फ्लर्टी है, दिल फेक आशिक है। मतलब जितने भी लोगों को मिलते हैं हर किसी के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हैं, और हो सकता है कि आप ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिबरल विचारों के हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही लिबरल विचारों के हैं वो बहुत ही फ्रीली लोगों के साथ बात करते हैं। और जनरली जो लोग बहुत ही फ्रीली सबके साथ बात करते हैं उसके बारे में सबका एक रवैया, सबका नहीं, कुछ लोगों का रवैया होता है कि बहुत ही मतलब ओपन है, हर किसी के साथ बात कर लेते हैं, तो बहुत ही फ्लर्टी भी होंगे। ऐसा सबको कुछ लोगों को लगता है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो ओपन माइंडेडली इस ऐसे स्वभाव को उनको अच्छा लगता है, अगर लोग ऐसे होते हैं तो। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनको ये स्वभाव अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी और इनवाइटिंग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही आप है, राइट। दूसरे काफ़ी दुनिया के लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि जो आप नहीं भी हैं, बट दैट डज नॉट मेक हु यू आर, ठीक है। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए हमारे पास यहाँ पर। सो फॉर देन द सेकेंड थिंग इज़ नाइट ऑफ, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ही हड़बड़ी में काम करते हैं, हमेशा हड़बड़ी में हो रहते हैं। मतलब जल्दी जल्दी आना जल्दी जल्दी जाना, खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा घाई में होते हैं। मतलब कभी भी स्लोली शांति से आप नहीं मतलब रहते। इस पर्सन को भी अगर आप घूमते फिरते मिल जाए तो शायद आपको इस पर्सन उनके साथ भी आप हाई बाय करके निकल जाते हैं। इनको मतलब कभी भी ठहर कर आप शांति से बात करो ऐसा इनको नहीं लगता है। नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज़ द स्टार कार्ड। ये स्टार का कार्ड कहता है कि आपके पर्सन को लगता, इनको डेफिनेटली लगता है कि आप इनके ड्रीम पर्सन हैं। मतलब कि जिस तरह के व्यक्ति के ये सपने देखते हैं कि उनकी लाइफ में होने चाहिए, उस तरह के व्यक्ति आप हैं, ठीक है। सो यू आर द ड्रीम पार्टनर, ड्रीम स्पाउस, सोलमेट, राइट। कुछ भी मतलब जिसके बारे में इंसान, कोई भी व्यक्ति है कि जो सपना देखता है कि यार मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो आपके जो पर्सन है उनका ऐसा जो सपना है किसी के लिए, वो बिल्कुल आप जैसा है, ठीक है। सो उनके जो ड्रीम पर्सन है वो आपके साथ मेल खाता है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज द लवर्स का कार्ड। इस आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, राइट। आप इनके ड्रीम पर्सन तो है ही है, उसी के साथ ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पर्सन को बहुत सारे फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये मतलब बिल्कुल जान छिड़कते हैं आपके ऊपर। और अगर ये चीज़ है कि आप मतलब ये आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपके बारे में ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप काफ़ी फ्लर्टी है। सो देर कुड बी अ ट्रूथ टू इट, या फिर मतलब
जैसा मैंने कहा यू नो बिलीफ सिस्टम का है, कुछ लोग अगर बहुत ही नैरो माइंडेड तरह से बड़े हुए हैं तो उनको यही लगेगा कि कोई जो बहुत ही फ्रीली बात करते हैं वो बहुत ही फ्लर्टी है, हर किसी का साथ शुरू हो जाता है, यू नो यस दीज कुड बी द वर्ड्स दैट दे आर थिंकिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर, इस पर्सन को लगता है कि आप किसी चीज़ को खो चुके हैं, आप अपने पार्टनर को खो चुके हैं या किसी चीज़ को खो चुके हैं और शायद आप दुखी है, राइट, आप दुखी है और शायद किसी की तलाश कर रहे हैं कि जो मतलब सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं, ऐसा शायद इनको लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ यस, इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं फॉर अ पार्टनर, फॉर अ लाइफ पार्टनर, और इसीलिए इनको नहीं लगता है कि इनका कोई चांस है आपके आसपास, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही बेहतर बेहतर लोग होंगे आपके कंपैरिजन, मतलब उनके कंपैरिजन में आपके सामने, तो उनको लगता है कि उनका तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी यू नो कंपटीशन में खड़े हैं आपके सामने, ठीक है, उनके साथ। सो द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस, यस, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करते हैं जब भी आप उनके आसपास होते हैं, तब इनको लगता है यस, जब भी आप उनकी लाइफ में आते हैं, जब भी आप सामने से आते हैं तो इनको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है कि लाइक दैट यू ब्रिंग इन द सनशाइन, इनको लगता है कि आप सनशाइन लेकर आए हैं, आप यू नो लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, और ये मतलब इन जनरल बहुत खुश हो जाते हैं। बट इनको ये भी लगता है कि आप यू नो थोड़े समय में आते हैं, थोड़े समय में चले जाते हैं, तो बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं हमेशा। अब ये हड़बड़ी में होने वाला जो फीलिंग है, दिस कुड ऑल्सो बी कि आपको पता है कि उस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, वो पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, और कभी कभी यू नो अगर आपको उनके लिए सेम फीलिंग्स नहीं है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग लगता है, थोड़ा सा यू नो मतलब उतना सारा अटेंशन मिलना, उतनी सारी तारीफ़ें मिलना, थोड़ा सा यू नो इट फील्स बैड, बुरा लगता है, और इसीलिए शायद आप कुछ ही समय में आते हैं, कुछ ही समय में निकल जाते हैं, राइट। तो आपका इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है, आप भले ऐसा करते हैं, उस पर्सन का समझने का मतलब वो पर्सन कुछ अलग समझते हैं और आपका इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है, हड़बड़ी में आकर निकल जाने का रीज़न कुछ अलग हो सकता है, राइट। तो ये पॉजिटिविटी, अब ये पर्सन को आप देखो कि ये इतना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं कि जैसे ही आप उनके करीब जाते हैं इनकी लाइफ में, मतलब इनको लगता है कि पूरी लाइफ पॉजिटिविटी से भर गई, राइट। अब आप किसी को भी देखो, यूजुअली टिपिकल जो टीनेज वाला जो लव है उसको आप देखो कि जब भी अपना लाइफ, अपना लव इंटरेस्ट, राइट, लव इंटरेस्ट जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं वो जब आपके करीब आते हैं, उनको देखकर जिस तरह के फीलिंग्स आपके मन में आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब यस, जैसे यू नो वो थ्री इडियट्स मूवी में बताया गया है, स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लग गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई, यू नो मतलब जो चीज़ें बिल्कुल उसी तरह का फीलिंग इस पर्सन को होता है जब भी आप उनके करीब आते हैं तब, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज दिस कार्ड, बट इस पर्सन को लगता है कि आप हर बार उनका दिल तोड़ देते हैं, आप हर बार यू नो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनका दिल टूट जाता है, जिससे उनको लगता है कि आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब ये उस पर्सन को लगता है आपकी साइड से आप क्या कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, इस पर्सन को बहुत सारे फीलिंग्स हैं और हर बार यू नो जब भी ये बहुत सारा मतलब इनडायरेक्टली आपके ऊपर लाइन मारते हैं, इनडायरेक्टली आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली यू नो आपको मतलब ऐसा बताते हैं कि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर पाना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ बोल कर यू नो उनका वो जो लिंक है वो तोड़ देते हैं, राइट। दिस कुड बी बिकॉज यू आर एक्चुअली इन टू समबडी एल्स, ठीक है, आप या तो आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फीलिंग्स है, या तो आपको उनके लिए फीलिंग्स नहीं है और आपको उनके साथ रिलेशन भी नहीं रखना है, ठीक है, दिस कुड बी द थिंग, और उसकी वजह से, बिकॉज आपको रिलेशन नहीं रखना है, उसकी वजह से आप उनकी उनका जो फैंटेसी होता है कि मतलब जो आकाश में जो ताज महल क्रिएट करने वाली जो मतलब होता है ना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, आप उनका वो लिंक ब्रेक कर देते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि आप उनका दिल तोड़ देते हैं, ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वी हैव किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये जो व्यक्ति है, इस पर्सन को जो फीलिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही मतलब ये सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, मतलब जस्ट इन केस अगर आप इन फिर भी इनके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहें तो क्या करेंगे, राइट, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते।
सो नॉट सीरियस इन दैट केस, बट ये इमोशनली काफ़ी मैच्योर पर्सन है, वो बताना चाहती हूँ, राइट। इमोशनली मैच्योर पर्सन एक ऐसा पर्सन है कि जो आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं उनके साथ, किसी के साथ भी यू नो रिलेशनशिप रखो, इमोशनली मैच्योर पर्सन के साथ रखो कि जो आपके साथ जो इमोशंस जो होते हैं, आपके इमोशंस उनके लिए जो होते हैं, उनके इमोशंस जो आपके लिए होते हैं, उसे मैच्योरली हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशंस को मैच्योरली हैंडल करना जानते हैं। अब आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आपको इनके साथ रिश्ता रखना ही है, ठीक है, मैं बस आपको बता रही हूँ जस्ट इन केस इनके साथ रिश्ता नहीं रखना, बट किसी और के साथ भी आप रिश्ता रखो तो ये चीज़ ज़रूर देखो कि उस पर्सन के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है कि नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस कार्ड, ओके। यहाँ पर हमारे पास 10 of swords का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनको बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस इस पर्सन को ये लगता है कि शायद आपका किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। अब यू नो अगर किसी व्यक्ति को आपके ऊपर क्रश है और आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं शुरू हुआ है, तो आप किसी को भी डेट करें, उससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। इस पर्सन को भले आपके ऊपर क्रश है, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है आप किसको डेट करें किसे नहीं, उन इससे कोई लेना देना नहीं है उनका कि आप उनको बताएं कि नहीं, ठीक है। अगर आप उनको नहीं बताना चाहते हैं कि आप किसको डेट कर रहे हैं, किसको प्यार करते हैं, तो इट्स टोटली फाइन, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बता दो, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिसके लिए ये चीज़ देखना ज़रूरी होगा वो ये देख लेंगे। और आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, डू स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को बंद करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, मेरे टैरो के क्लास में आपको इन्वाइट करना चाहती हूँ। मेरा जो टैरो का क्लास है, एक बार आप टैरो सीख लो, आप यू नो श्योर शॉट वंस एंड फॉर ऑल टैरो सीख लेंगे, और आप टैरो सीखने के बाद आप यू नो दूसरों की मदद कर सकते हैं लाइफ चेंजिंग एडवाइस देने के लिए। यस, दूसरों को एडवाइस देना अलग बात है, और लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना टैरो के द्वारा, कि जहाँ पर आप लोगों को गारंटी दे पाएंगे कि भाई ऐसा चीज़ होगा ऐसा चीज़ नहीं होगा, ठीक है, तो वो आप कर पाएंगे और उसी के साथ साथ पैसे भी कमा पाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। दूसरी जगह पर आप कोर्स करने जाते हैं, 40-50 हज़ार का कोर्स करते हैं, उसके बाद भी आप टैरो नहीं सीख पाते हैं कॉन्फिडेंटली, बट मेरे क्लास में आएंगे इन्होंने आप डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंटली टैरो सीख जाएंगे, ठीक है। सो सर दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सारी की सारी डिटेल्स मेरे टैरो के क्लास के बारे में मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है, मेरी वेबसाइट का लिंक यही कहीं पर दिया गया होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।